फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा है। डे टू डे लाइफ में हम जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है और हमारी आँखों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज का जो जनरल सा टॉपिक है वो है आई प्रॉब्लम्स पे, मतलब आँखों में जो जलन होती है, कंजक्टिवाइटिस होता है, लालपन हो जाता है, यानी आँख की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें छोटा सा डिस्कशन होगा। उसका मैनेजमेंट क्या करें और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बस यही आज करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आँख में लालपन आ जाए, बहुत ज़्यादा जलन होने लगे और खुजली होने लगे, दोस्तों आँख में खुजली के दो कारण होते हैं। बहुत से कारण तो बहुत से होते हैं, लेकिन मेजरली जो कारण देखा गया है वो है आँख की जो स्क्लेरॉइड लेयर होती है, आँखों की जो ऊपर की ये परत होती है वो नीचे की परत से घिसने लगती है। ये ऐसा तब होता है जब आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो हमें वो चीज़ खुजली का एहसास होने लगता है। जब आँखों में एरिया में पानी की कमी होती है तो ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश कीजिए कि दिन में पानी का छिट्टा देते रहें आँखों पर, और कभी भी आँख रगड़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे जितनी भी खुजली हो जाए, आप आँख बिल्कुल भी नहीं रगड़ेंगे। दूसरी चीज़, जब आँखें लाल हो जाती हैं या कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर जो जनरल मैनेजमेंट अभी हमने डिस्कस किया, आँख में पानी डालना, या जो जनरली क्या कहते हैं हम लोग, देखते हैं कि थोड़े से पानी लेकर के अपनी आँखें उसमें डुबा लेना 2 या 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर उसमें आँखें खोलना बंद करना, ये जनरल मैनेजमेंट जो आप सबके जानते हैं, इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। ये जनरल मैनेजमेंट आपकी आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और प्लीज़ घिसिए बिल्कुल भी मत, मतलब आंखों में बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि हाथ का डस्ट या बाहर से कोई भी चीज़ उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और हाइजीन जितना ज़्यादा बरत सकते हैं उतना करिए। दोस्तों, ये तो छोटा सा मैनेजमेंट था, जनरल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों, एक ड्रॉप आती है, पीने के लिए आती है दोस्तों, ये लगाने के लिए नहीं, पीने के लिए आती है, ये R78। ठीक, जब भी आपको आँख में खुजली, जलन, लालपन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसको 15-15 बूंद पानी में डाल के पीना है दोस्तों। ये ओरल ड्रॉप है, ये मैं आपको बता दूँ, इसको आँखों में मत डालिएगा, ये ओरल ड्रॉप है, इसीलिए बार बार मैं कह दे रहा हूँ। इसकी प्राइस लगभग 220 रुपये है। इसको 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। और एक आई ड्रॉप आती है, ये लगाने के लिए आती है, ये देखिए आई ब्राइट आई करके ये आई ड्रॉप आती है, वीजल कंपनी की है, ये लगाने के लिए आती है। इसको आप हर 4 घंटे पर आँख में डालिए, 2 से 3 बूंद बहुत है आँख में। इसकी प्राइस लगभग है 80 रुपये। तो दोस्तों, ये पीने वाला ड्रॉप और ये लगाने वाली आँखों में लगाने वाली ड्रॉप, ये दो चीज़ आपकी किसी भी आई प्रॉब्लम में, रेडनेस, कंजक्टिवाइटिस या कोई भी जनरल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। होप करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे आपकी आँखों में या आपकी कोई भी आँखों की प्रॉब्लम हो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।